2024 में लोग अनुमान लगा रहे हैं शायद मैं मेयर का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूं। और अगर वो मेयर की तैयारी कर रहे हैं तो सभी का अधिकार है, वो कोई भी टिकट मांग सकता है और कोई भी चुनाव लड़ सकता है। मैं रुड़की में 40 वार्ड है, 40 के 40 वार्डों में ये कैंप लगाऊंगा। नगर निगम आ गया तो नगर निगम की सेवा करने में क्या हर चीज चुनाव से जुड़ी हुई है? ये बहुत ही सकारात्मक कदम है, ईश्वर उन्हें इनके इन प्रयासों में कामयाबी दे और निरंतर वो ऐसे ही जन सेवा करते रहें, आम लोगों की भलाई के लिए निरंतर सन्नद्ध रहें, ऐसी मेरी शुभकामना है। फोनिक्स आज सेवा नहीं कर रहा है, पहले से ही करता आ रहा है। अगर ये लगातार ऐसे ही कार्यक्रम करते रह गए, लोग ज़्यादा जागरूक हो गए तो ये सरकारों से विधायकों से इतना सवाल करेंगे कि विधायक और सरकार सारी परेशान हो जाएगी। देखिए विधायक और सरकार को परेशान करने के लिए हम जैसे समाज सेवी हैं और करना भी चाहिए। तुम्हारी हर मुश्किलों का मुकम्मल जवाब मैं हूँ, जरा समय लगे तो पढ़ लो, भारत का संविधान मैं हूँ। जिन माताओं या अन्य बुजुर्गों को आँखों की रोशनी की समस्या है उन्हें उनके आई टेस्ट कराकर उनको स्पेक्टेकल्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं। साथ ही उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि अगर उन्हें किसी उच्चतर चिकित्सा की आवश्यकता होगी उसके लिए भी वो सकारात्मक प्रयास करेंगे। ये अपने आप में बेहद ही सराहनीय कदम है और उनके इस प्रयासों के लिए उनको बहुत बहुत बधाइयाँ, ढेरों शुभकामनाएँ और कोटि कोटि साधुवाद। देखिए समाज में एक बड़ा तबका ऐसा है जो संसाधनों के अभाव में, आर्थिक सक्षमता के अभाव में सभी सुविधाओं का सदुपयोग सुनिश्चित नहीं कर पाता। ऐसे में हम सब की, समाज की भी जिम्मेदारी है कि उन्हें समाज की मुख्य धारा का अंग बनाएं, उन्हें अपने करीब लाएं और उनके लिए वो सब कुछ करने की कोशिश करें जो कर सकने की सक्षमता ईश्वर ने आपको दी है। ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत ही सकारात्मक कदम है, ईश्वर उन्हें इनके इन प्रयासों में कामयाबी दे और निरंतर वो ऐसे ही जन सेवा करते रहें, आम लोगों की भलाई के लिए निरंतर सन्नद्ध रहें, ऐसी मेरी शुभकामना है। नमस्कार, आज हम हैं शेरपुर में और शेरपुर में एक निःशुल्क मेडिकल कैंप लग रहा है और साथ में देखिए एक चीज़ मेंशन है कि निःशुल्क मेडिकल कैंप एवं मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों के विषय में जागरूकता अभियान। इसे जो ऑर्गेनाइज करा रहे हैं वो ऑर्गेनाइज करा रहे हैं चैरब जैन जी, जो कि फोनिक्स जो कॉलेज है उस कॉलेज के चेयरमैन हैं। और इनकी एक्टिविटी हमने कुछ समय पहले देखी थी कि लगातार जो है बहुत सारी एक्टिविटीज़ में ये पार्टिसिपेट करने लगे हैं। यहाँ पर जो मेडिकल कैंप में आए हुए जो लोग हैं ये लोग आ करके इसमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश कर रहे हैं और पार्टिसिपेट कर रहे हैं। चैरब जैन जी हमारे साथ हैं, आप ये कार्यक्रम आयोजित कराने के पीछे का पर्पस क्या है? जितने भी लोग खड़े हैं, उद्देश्य हर काम के पीछे कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए अखिलेश भाई, कुछ काम जनहित के लिए, राष्ट्रहित के लिए भी होने चाहिए, ये काम भी उन्हीं में से एक है। इस काम के जरिए मैं रुड़की की जनता से जुड़ना चाहता हूँ, उनकी सेवा करना चाहता हूँ और उनके अंदर एक राष्ट्रहित की भावना पैदा करना चाहता हूँ। अभी मैंने बैक टू बैक कुछ जो प्रोग्राम देखे आपके, अचानक और फिर शुरुआत हुई रुड़की शहर में, हमने प्रोग्राम देखे आपके, तो मुझे लगा कि शायद जब भी कोई ऐसी एक्टिविटी अचानक होती है तो इसके पीछे का पर्पस कुछ बड़ा हो जाता है और बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मेरा दायित्व तो है कि मैं वो सवाल खुल करके करूं। खुल करके मैं बता रहा हूं, 2024 में लोग अनुमान लगा रहे हैं शायद मैं मेयर का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूं। आज आप सबसे वादा करता हूं मैं, ऐसी मेरी कोई तैयारी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपनी बात से बिल्कुल नहीं पलट लूँगा, 2024 की मेरी अभी कोई तैयारी नहीं है। अभी मेरे मन में केवल जनसेवा और लोगों के अंदर राष्ट्रहित की भावना पैदा करना मेरा उत्मस्तक है। 27 की तैयारी है, वो भविष्य में देखेंगे अखिलेश भाई किसकी तैयारी है, अभी 24 की मेरी कोई तैयारी नहीं है। तो ये जो निःशुल्क मेडिकल कैंप है इसमें क्या क्या ऐसी फैसिलिटेट है जो फैसिलिटी आप दे रहे हैं? जैसे भाई ब्लड का सैंपल लिया जा रहा है, आँखों का जाँच किया जा रहा है, और क्या क्या चीज़ें हैं और कितने जगह पर किया जाएगा ये लगातार? ये मैंने संकल्प लिया है अखिलेश भाई कि ये मैं रुड़की में 40 वार्ड हैं, 40 के 40 वार्डों में ये कैंप लगाऊंगा। फिर नगर निगम आ गया तो नगर निगम की सेवा करने में क्या हर चीज़ चुनाव से जुड़ी हुई है, जनसेवा भी कोई चीज़ होती है अखिलेश भाई। और इस कैंप के माध्यम से हम निःशुल्क नेत्र की चिकित्सा कर रहे हैं, डेंटल चिकित्सा कर रहे हैं, फिजिशियन आ रखे हैं जो बीपी ECG सब चेक कर रहे हैं, स्त्री रोग चेक हो रहे हैं,
आपके ब्लड डोनेशन ब्लड कैंप हो रहा है हमारा, जिसमें आपका थायराइड, कैल्शियम, होमोग्लोबिन, ब्लड ग्रुप सबका चेकअप हो रहा है। साथ ही साथ ONGC के माध्यम से फ्री में दवाइयाँ और चश्मे भी वितरित कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त यदि किसी को मोतियाबिंद या भगवान ना करे और कोई रोग निकलता है तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम उसका भी निःशुल्क इलाज करा पाएँ। सारा इलाज निःशुल्क ही होने वाला है। सारा इलाज निःशुल्क होने वाला है। मेरा एक छोटा सा मन में एक वो उठाया है कि रुड़की रोग मुक्त हो जाए। क्या बात है, रुड़की रोग मुक्त हो जाए, इस उद्देश्य के साथ चिरप जैन जी लगे हुए हैं। शुरुआत इन्होंने कर दी है, लेकिन साथ में दो विषय और मैं देख रहा हूँ भाई। मेडिकल कैंप तो ठीक है, साथ में आप मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार, मतलब ड्यूटीज और राइट्स की आप बात कर रहे हैं, ये क्यों, मतलब ज़रूरत क्या है इस चीज़ की? क्या कॉन्स्टिट्यूशन लोगों ने पढ़ा नहीं, क्या लोग जानते नहीं? देखिए, अभी लोकसभा के चुनाव हो के चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी जब सबसे पहले संसद में घुसते हैं तो वो हमारे संविधान को नमन करते हैं। नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी पूरे चुनावों में संविधान की एक प्रतिलिपि अपने साथ लेके घूमते रहे हैं। तो संविधान में ऐसा कुछ तो है जो हमारे भारतीयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारे लिए किसी ग्रंथ से कम नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि शायद लोगों में इसके बारे में जागरूकता नहीं है, तो वो जागरूकता मैं फैलाना चाहता हूँ। एक शायर ने ये कहा है, तुम्हारी हर मुश्किलों का मुकम्मल जवाब मैं हूँ, जरा समय लगे तो पढ़ लो, भारत का संविधान मैं हूँ। इस शेर के उससे मैं लोगों तक फैलाना चाहता हूँ कि आपकी हर समस्या है इस संविधान में, बस आपको जागरूक होने की आवश्यकता है। जो दो मेन चीज़ें हैं, आपके मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, अगर आप उसके बारे में भी जान लेंगे तो मेरा मानना यह है आपका कभी अपमान नहीं हो पाएगा, आपको कभी भेदभाव नहीं सहना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई कुल मिलाकर के संविधान वैसी चीज़ है जिसमें आपकी हर समस्या का समाधान है, और मौलिक कर्तव्य जानिए और मौलिक अधिकार को भी समझिए, और इस समझने के दौर में राजनीतिक विश्लेषण भी करते रहेंगे बाद में। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्रयास है। चेरब जी हमारे युवा हैं और फोनिक्स कॉलेज की ओर से आज यहाँ इस क्षेत्र में जो कैंप लगाया गया है उसका लाभ सभी ग्रामीणों को मिलने वाला है, क्योंकि शहरों में तो आपने देखा होगा अक्सर कैंप लगाते हैं और सुविधाएँ भी शहर में बहुत रहती हैं, हॉस्पिटल हैं, क्लिनिक हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी सुविधाएँ नहीं होती। इनका जो प्रयास है बहुत ही उत्तम है और मैं इनको बधाई भी देता हूँ, और मैं ये कहना चाहता हूँ इस तरह का प्रयास ये जारी रखेंगे। अभी मेरे को अंदर से बताया गया, गौरव जी बता रहे थे कि इन्होंने 40 मेडिकल कैंप ग्रामीण क्षेत्र में लगाने का काम कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर प्रयास है, बहुत बहुत बधाई। अच्छा, आपने बताया कि इस तरह की सुविधाएं ग्रामीण इलाकों में नहीं है, तो किसी कमी है, क्योंकि आपके विधायक नहीं है प्रदीप बत्रा जी, उन्हीं का क्षेत्र है रुड़की विधानसभा। मेरा आपसे कहने का तात्पर्य ये था, सरकारों को इस तरह के कार्यक्रम या इस तरह के कैंप लगाने की आवश्यकता नहीं है? सरकार भी अपना काम करती है, मेडिकल कैंप भी लगाती है, बहुत ही शिविर भी लगाती है, सरकार अपना काम करती है, लेकिन जो हमारा भी कुछ दायित्व है हम लोग इस काम को करें, और इस काम को बखूबी से चरब जी कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चाहिए मौलिक अधिकारों की जानकारी देना, उन्हें जागरूक करना, ये सरकार के अधिकार हैं। सरकार भी अपने अपने इसमें करती है, सरकार लगातार अपना काम करती है, लेकिन हम लोग सभी उसमें शामिल हो जाएं तो ज़्यादा बेटर है। हम लोग उसमें शामिल हो जाएं और हम भी सब मिल के इस काम को करें, बहुत बेटर है। 40 वार्ड में नहीं, 40 कैंप लगाने वाले, 40 वार्ड में भी लगा सकते हैं। आगे भी 40 वार्ड जी जी, जी। आपका वार्ड भी होगा जी, बिल्कुल। आप जो है कहीं ना कहीं जिस समय पहले बोले थे कि मेयर के लिए दावेदारी भी आप कर रहे हैं, हो सकता है वो 40 वार्ड में लगा करके मेयर की दावेदारी भी आप मेयर का चुनाव लड़ लें? देखिए, ऐसी कोई मंशा उनकी मुझे नज़र नहीं आई, सेवा भाव से निकले हैं और युवा साथी हमारे हैं और सेवा करने के लिए निकले हैं, वो सेवा ही करेंगे, मेरे को ऐसा महसूस दे रहा है उनकी भावनाओं से। और अगर वो मेयर की तैयारी कर रहे हैं तो सभी का अधिकार है, वो कोई भी टिकट मांग सकता है और कोई भी चुनाव लड़ सकता है। मेयर की टिकट मांगने के लिए इस तरह का कार्यक्रम जरूरी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आप अभी आपने पूछा ना कि मेयर का टिकट, मेयर की दावेदारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। कोई भी, मैं ये मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी टिकट मांग सकता है, चुनाव लड़ सकता है, सबका अधिकार है। देखिए, कांवड़ शिविर लग रहा है वो मेरा नहीं है, उस पूरे शहर का है और आप सबका है। तो शिविर लग रहा है कांवड़ियों को सुविधा देने के लिए और तैयारी चल रही है, प्रशासन की भी तैयारी चल रही है और हमारी जो संस्थाएं हैं उनकी भी तैयारी। अच्छा, चल रही है। अभी हमारी चरब जैन जी से बात हो रही थी, बोल रहे थे कि भाई इस तरह के जो मौलिक अधिकार लोगों के कर्तव्य के बारे में जानकारी देना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देना, ये हमारा कर्तव्य है, ऐसा बोल रहे थे। तो क्या वहाँ जो भोले के भक्त आएंगे इस तरह का वहाँ पर कैंप लगाया जाएगा? वहाँ पर तो 25 साल से हेल्थ कैंप लग रहा है और वहाँ पर सारी सुविधाएँ होती हैं और दवाइयाँ भी बहुत अच्छी कंपनियों की होती हैं। तो चरब भाई आज नहीं, चैरब भाई जब से समर्पण पैदा हुआ है तब से उनका परिवार और चैरब भाई तब से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और संस्था में संरक्षक भी हैं। तो हमारा जो ब्लड कैंप होते हैं
आप फोनिक्स ग्रुप को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वहाँ से बहुत सारे बच्चे हर कैंप में हमारे यहाँ आते हैं, तो फोनिक्स आज सेवा नहीं कर रहा है, पहले से ही करता आ रहा है। अच्छा, अभी सर ने ये भी बोला था कि भाई ये जो जानकारी देने वाले कार्यक्रम है, इस तरह के मौलिक अधिकारों की जानकारी देना, ये एक जनप्रतिनिधि का कार्य है, सबसे पहले उनको करना चाहिए इस कार्य को। देखिए, विधायक प्रदीप पत्रा हो गए, पूर्व के मेयर हो गए, यशपालना हो गए, गौरव गोयल जी हो गए, देखिए सुरेशन जैन जी हो गए, उनके कार्य थे, उन्होंने करें ज्यादा ऐसा। देखिए, जनप्रतिनिधि अपना कार्य करते हैं, जनप्रतिनिधियों पे जो काम है, कार्य है, वो करते हैं, अपने तरीके से करते हैं, कोई ज़्यादा करता है, कोई कम करता है, करते हैं। और जो समाज सेवी संस्थाएं होते हैं, जो समाज को लेकर चलने वाले लोग होते हैं, वो अपने तरीके से चलते हैं। अच्छा। बहुत सारी संस्थाएं हैं जो मेडिकल कैंप लगाती हैं, समर्पण भी है, भारत विकास परिषद भी है। कर्तव्यों की जानकारी किसको देने का फर्ज है, किसके पास है? देखिए, हम सबकी भी है, सरकार और हम सबकी है, कैंप लगने सरकार सरकार और हम सबकी है। अच्छा, बताइए, जैसे अगर ये लगातार ऐसे ही कार्यक्रम करते रह गए, लोग ज़्यादा जागरूक हो गए, तो ये सरकारों से, विधायकों से इतना सवाल करेंगे कि विधायक और सरकार सारी परेशान हो जाएगी। देखिए, विधायक और सरकार को परेशान करने के लिए हम जैसे समाज सेवी हैं, और करना भी चाहिए। मैं भी भाजपा से जुड़ा हूँ, समसेवक हूँ, आरएसएस से जुड़ा रहा हूँ, बचपन में मैं आरएसएस से जुड़ गया था, वही भावनाओं को पैदा करते हुए मैंने भी एक समर्पण जो संगठन बना रखा है, उसमें आप भी हैं, आपके बिना हम चलते नहीं, और ऐसे चैरप भाई भी हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं समर्पण में, एक ऐसी टीम है जो आज तक फ्रंट पर ही नहीं आई, लेकिन वो बैक पर हमें इतना सपोर्ट करती है। और ये जो कैंप है, इसमें भी चैरप भाई ने बहुत सारे हमसे जो है सुझाव लिए और तरीके लिए, और ये जो वार्ड वाली बात आ रही है, वो उनके मन की भावना है। कभी कोई कष्ट हो जाता है, तो ऐसा कोई कष्ट चैरप भाई पे था उनके मन में, उस कष्ट को समाज सेवा के थ्रू दूर करने की है। बात है चुनाव की, तो भविष्य का किसी को कुछ नहीं पता। मोदी जी ने भी नहीं सोचा था कि मैं कभी देश का प्रधानमंत्री बनूंगा।